भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां अभिव्यक्ति की आजादी है, यानी कि यहां सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने और अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता आजादी मिली हुई है। इसी देश की नागरिक हैं अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत, दोनों को ही अभिव्यक्ति की आजादी प्राप्त है। ऐसे में सामना में शिवसेना और कंगना के बीच चल रही जुबानी जंग को लेकर काफी कुछ लिखा गया है। सामना के संपादकीय में कंगना को बेईमान बताया गया है, कंगना को देशद्रोही और मानसिक विकृत भी करार दिया गया है। सामना में लिखा है, मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से करना और मुंबई पुलिस को माफिया आदि बोलकर खाकी वर्दी का अपमान करना बिगड़ी हुई मानसिकता के लक्षण। महाराष्ट्र की 11 करोड़ मराठी जनता और मुंबई का अपमान मतलब देशद्रोह जैसा अपराध प्रतीत होता है, लेकिन जब ऐसा अपराध करने वाले लोगों के साथ राष्ट्रभक्त मोदी सरकार का गृह मंत्रालय सुरक्षा कवच देकर खड़ा होता है, तब हमारे 106 शहीद स्वर्ग में आंसू बहा रहे होंगे। सामना के मुताबिक राजनीतिक एजेंडे को सामने लाने के लिए देशद्रोही पत्रकार और सुपारीवाज कलाकारों के राजद्रोह का समर्थन करना भी हरामखोरी ही है, मतलब माटी से बेईमानी ही है। जो लोग महाराष्ट्र के बेईमानों के साथ खड़े हैं, उन्हें 106 शहीदों की बद्दुआ तो लगेगी ही, लेकिन राज्य की 11 करोड़ जनता भी उन्हें माफ नहीं करेगी। मुंबई माता का अपमान करने वालों के नाम महाराष्ट्र के इतिहास में डामर में लिखे जाएंगे, बेईमान कहेंगे। ये लोग अब राष्ट्रभक्ति का तुंतुना ना बजाएं, बस इतनी ही अपेक्षा। आगे लिखा गया है कि मराठी लोगों से बेईमानी करने वाले मानसिक विकृत लोगों से मराठी मानुष हमेशा लड़ता रहा है। यह मानसिक विकृत लोगों से मतलब कंगना से ही है। कोई भी आए और महाराष्ट्र की मराठी राजधानी पर चपली मारे, कोई ऐरा गैरा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अरे तुरे करके चुनौती दे, तो इसके विरोध में पूरे महाराष्ट्र को एक होना चाहिए। महाराष्ट्र संतप्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुंबई और राज्य के मुख्यमंत्री का अपमान करने वालों का सीधे सीधे समर्थन कर रही है। सामना में आगे लिखा गया है, मुंबई पर अपना हक जताने वाले बहुत सारे लोग आगे आए हैं, लेकिन मुंबई मुंबई देवी का ही प्रसाद है। देवी स्वरूप मुंबई माँ की तुलना पाक अधिकृत क्षेत्र से करके हमारी देवी का ही अपमान किया गया। हिंदुत्व का, संस्कृति का, धर्म और 106 शहीदों के त्याग का अपमान किया गया और ऐसा अपमान करके छत्रपति शिवाजी के महाराष्ट्र पर नशे की पिचकारी फेंकने वाले व्यक्ति को केंद्र सरकार विशेष सुरक्षा की पालकी का सम्मान दे रही है। समझिए यहाँ सिर्फ कंगना के लिए कैसे भाषा की मर्यादा को तार तार किया गया है। महाराष्ट्र पर नशे की पिचकारी फेंकने वाला व्यक्ति करार दिया जा रहा है। आगे लिखा है, मराठी जनों मुंबा देवी का ये अपमान जिसे प्रिय है, ऐसे लोग दिल्ली में और महाराष्ट्र के विधिमंडल में बैठे हैं, इसलिए मुंबई पर खतरा बना हुआ है। मुंबई को पहले बदनाम करो, फिर उसे खोखला करो, मुंबई को पूरी तरह से कंगाल करके एक दिन से महाराष्ट्र से तोड़ने की करतूत नए सिरे से रची जा रही है। उसके बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा गया, क्योंकि कंगना को धमकियां मिलने पर केंद्र ने उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। सामना में छपा है, अहमदाबाद, गुड़गांव, लखनऊ, वाराणसी, रांची, हैदराबाद, बेंगलुरु और भोपाल जैसे शहरों के बारे में अगर कोई अपमानजनक बयान देता है तो केंद्र ने उसे वायु श्रेणी की सुरक्षा की पालकी दी होती क्या? ये महाराष्ट्र के भाजपाई स्पष्ट करें। देवेंद्र फडणवीस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री शाह का नाम अरे तुरे से उच्चार करने वाले 3-5 चैनलों के मालिकों को बीजेपी वालों ने ऐसा समर्थन दिया होता क्या? वहीं फिर चीन और भारत के बीच चल रहे सीमा विवाद पर भी टिप्पणी की गई। लिखा है, आप जिस प्रकार से सारे बीजेपी वाले महाराष्ट्र द्रोहियों के साथ खड़े हैं, उसी विश्वास से हमारी सीमा में घुसे चीनी बंदरों के बारे में हिम्मत दिखाई होती तो लद्दाख और अरुणाचल की सीमा पर देश की बेइज्जती ना हुई होती, देश की इज्जत तार तार ना हो, इसके लिए राष्ट्रभक्तों ने संयम रखा हुआ है, बस इतना ही। तो ये है अभिव्यक्ति की आजादी। केंद्र सरकार और कंगना को लेकर अपने मुखपत्र सामना में शिवसेना के जो मन में आया लिख डाला। कैसे लिख पाए? क्योंकि उन्हें हक है ऐसा लिखने का, ऐसा करने का। भारत के हर एक नागरिक को ये अधिकार प्राप्त है, तो फिर कंगना को क्यों नहीं? जब कंगना ने शिवसेना के नेता संजय राउत पर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया था
लिखा था, शिवसेना लीडर संजय राउत ने मुझे खुले तौर पर धमकी दी है और कहा है कि मैं मुंबई वापस ना आऊं। पहले मुंबई की सड़कों पर आजादी के नारे लगाए गए और अब खुली धमकी दी जा रही है। मुंबई से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी फीलिंग क्यों आ रही है? बस कंगना के इसी बयान पर पहले तो संजय राउत ने कंगना को मेंटल पीस कहा, उससे भी मन नहीं भरा तो हरामखोर कह दिया और उसके बाद सामना में ये लंबा चौड़ा लेख। संजय राउत साहब, आप हमें ये बताइए, मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़े सभी अधिकार या फिर इस देश से जुड़े सभी अधिकार क्या सिर्फ आपके पास है? क्या कंगना और बाकी किसी को अपने मन में चल रहे विचारों को किसी के साथ साझा करने का, अपने विचार दुनिया के सामने व्यक्त करने की कोई आजादी नहीं? जिस तरह से आप सामना में बिना कंगना का नाम लिए कुछ भी लिख सकते हैं, तो कंगना ने भी तो आपका नाम नहीं लिया है। और जिस मुंबई और महाराष्ट्र की आपको चिंता सता रही है, कंगना ने कई बार साबित किया है कि उन्हें अपनी कर्मभूमि से कितना स्नेह है। इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।